वेलकम दोस्तों, जैसे कि आज आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, हम एक नए वीडियो के साथ लाए हैं। इसमें आपको दिखाएंगे कि हाउस वायरिंग में क्या क्या मटेरियल्स लगता है, जैसे कि अंडर वायरिंग में, जिसको हम कंसील वायरिंग भी कहते हैं। ये देखिए, चार चार का बोर्ड है, जे बॉक्स है। इसमें होल्डर सीलिंग रोज वगैरह लगता है, हम सॉकेट भी दे सकते हैं। ये देखिए, छः चार का बोर्ड है, जो कि चार चार से थोड़ा ही ज़्यादा बड़ा है। ये देखिए, हम कंपेयर करके आपको दिखा रहे हैं, जिसमें दो होल्डर आ जाएगा या फिर एक होल्डर एक सीलिंग रोज भी आ जाता है। और ये देखिए, 8-6 का जी आई बॉक्स है, जिसको हम जंक्शन के जगह में देते हैं या फिर 12 मुलर के जगह में भी देंगे, या 6-4 से थोड़ा बड़ा है देखिए। और ये रहा आपका 8-10 वाला जी आई बॉक्स, जिसको हम मेन स्विच में देते हैं, मेन स्विच के लिए, और या फिर जंक्शन में। ये 8-6 से थोड़ा ज़्यादा बड़ा है। और देखिए, यहाँ पे अभी हम आपको दिखाते हैं मॉडुलर का बॉक्सेस। ये देखिए, 2 मॉडुलर का बॉक्स है, इसमें 1 या 2 मॉडुलर का लगेगा। और देखिए, क्राफ्टरी का सामान है ये, जो कि हैवेल्स का है। ये देखिए, अंदर दिया हुआ है एक अर्थिंग के लिए पॉइंट दिया हुआ है, और नीचे देखिए लिखा हुआ है 1 और 2 मॉडुलर का जय बॉक्स है ये। और ये देखिए, 4 मॉडुलर का जय बॉक्स है, इसमें स्विच लगाएंगे तो 4 स्विच लग जाएगा आसानी से। और ये देखिए, 6 मॉडुलर का बोर्ड है ये, और इसमें 8 मॉडुलर का भी आता है 6 के बाद, पर वो हमारे पास अभी अवेलेबल नहीं है। ये देखिए, 12 मॉडुलर का बॉक्स है, ये 12 मॉडुलर लिखा हुआ है, और ये अर्थिंग का पॉइंट है, अर्थिंग के लिए दिया हुआ है। इसमें 12 स्विच लग जाएगा, या फिर दो दो करके सॉकेट देंगे तो 6 लगेगा। ये देखिए, 18 मॉडुलर का बॉक्स है, इसको देखिए, ये 12 मॉडुलर का आ रहा है, उसके ऊपर अभी 6 मॉडुलर का आ जाएगा बॉक्स, मिला के 18 मॉडुलर हो गया। मॉडुलर बॉक्स ऐसे भी पहचान लेंगे हम, उसमें लिखा रहता है, या फिर काम करेंगे तो ये पहचान लेंगे। ये देखिए, सारे बॉक्सेस पड़ा हुआ है यहाँ पे। बॉक्सेस को हम काट रहे हैं जहाँ पे ज़्यादा पाइप लग रहा है। ये देखिए, बॉक्स में 2 पाइप घुसा हुआ है, तो उसको थोड़ा काटना पड़ेगा। हम कटर के ज़रिए इसको काटते हैं। ये इधर से 1 ही पाइप गया है 3/4 का, और उसमें 12 मॉडुलर का बोर्ड लगा हुआ है। ये देखिए, अभी इस तरफ का झर्री कटिंग हो गया है, उसको भी लगाएंगे। ये देखिए, सर्कुलर बॉक्स है, इसको हम जॉइंट के जगह में देते हैं या फिर सीलिंग में भी डालते हैं, जहाँ पे छत ढलाई के वक्त। ये 3/4 का आता है, 1/2 इंच का भी आता है, ये जॉइंट के जगह में लगता है। ये देखिए, ये ब्लेड है जो एंगल ग्राइंडर में लगता है, 4 इंच वाला, इसको बोर्ड काटने के लिए लगाते हैं। और ये 4 इंच वाला ब्लेड है, इसको हम दीवार काटने के लिए यूज़ करते हैं। ये देखिए, हमारा एंगल ग्राइंडर है, इसमें लगा हुआ है एक ब्लेड। ये ब्लैक एंड डेकर का हम यूज करते हैं, काफ़ी अच्छा है, पावरफुल वाला है, 720 वाट का है। और ये हमारा हैमरिंग ड्रिल मशीन का बॉक्स है, और इसका बीट्स पड़ा हुआ है इसमें। ये देखिए, जो हैमरिंग ड्रिल हम बोल रहे थे, ये 4-स्टोर का है, बहुत ही अच्छा काम करता है। हमारे पास अभी इसका 2 पीस है, हम यूज कर रहे हैं। ये देखिए, हेयर कटिंग हो रहा है, ये थोड़ा कंक्रीट काट के आपको दिखाते हैं। देखिए, यहाँ से कैसे कट रहा है, अच्छा से कटिंग हो जाता है। अभी आपको दिखाते हैं, ये देखिए, एक पाइप डाल के दिखाते हैं। ये दरअसल पॉलीथीन का पोली पाइप है अभी, और इसमें पीवीसी का भी हम डालते हैं कहीं कहीं पर। ये छत ढले के वक्त जो बच गया था पाइप, उसी को पहले यूज कर रहे हैं। इसके बाद जो देंगे उसका हम पीवीसी का पाइप डालेंगे। देखिए, इसको कांटे के
सहायता से उसको हम लगाते हैं दीवार पे, और इधर ऊपर से नीचे आ गया, नीचे 6 मल्ला का बोर्ड लगेगा वहाँ, यहाँ पे देखिए ऊपर जो लगा हुआ है वो 2 मल्ला का बॉक्स लगा हुआ है, उसमें डालेंगे हम एसी का पॉइंट देंगे, उसमें सॉकेट रहेगा, ये नीचे उसका स्विच वगैरह लगेगा एसी का, देखिए ये इस तरह भी तो है, ये ऊपर से नीचे आएगा, देखिए दोनों तरफ डला हुआ है। अगर दोस्तों आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए, और पास में रखा हुआ बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हमारा नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।